दिल्ली पुलिस ने रेड लाइट तोड़ने वालों को, जो रेड लाइट जम करके आगे निकल जाते हैं, उनके लिए एक कैंपेन तैयार किया है और बड़ा ही सस्ता कैंपेन है दिल्ली पुलिस की तरफ से। हुआ ऐसा है कि कभी खुशी कभी गम का वो सीन जिसमें करीना कपूर ये कहती हैं कि ये कौन था जिसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। अब ये जो पर्टिकुलर वीडियो था करीना कपूर का, इसे एक रेड लाइट में डाल दिया गया है और करीना कपूर इसमें बोलते हुए दिखाई पड़ती हैं कि ये कौन था जिसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और एक कार दौड़ते हुए जा रही है, ठीक है। और दिल्ली पुलिस ने मैसेज क्या लिखा है उसमें कि वो ट्रैफिक उल्लंघन करता कौन है, हु को ध्यान पसंद है, इसलिए ट्रैफिक लाइट पर ध्यान दे, हैशटैग सड़क सुरक्षा। देखिए वैसे कैंपेन तो ठीक है, लोगों की जान की सुरक्षा होनी चाहिए, लोग जंप करके निकल जाते हैं, इस चक्कर में कई लोगों की मौत हो जाती है, गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं या कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो ट्रैफिक रूल्स का तो पालन करना चाहिए। लेकिन इतना सस्ता कैंपेन जो तैयार किया गया है, इसमें करीना कपूर को रोल मॉडल बनाकर लेने की क्या जरूरत थी, लोग करीना की बात क्यों सुनेंगे। बॉलीवुड को लोग वैसे ही पसंद नहीं करते हैं और बॉलीवुड वाले पहले ज्ञान दिया करते थे तब लोग सुन भी लिया करते थे, आज के दौर में बॉलीवुड वाले जब भी ज्ञान देते हैं तो उसके नीचे दुनिया भर की गालियां देखने को मिल जाती है। ऊपर से करीना कपूर से तो लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ है और लोग कमेंट कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस वालों को क्या यही वीडियो मिला था जिसमें करीना कपूर को लिया, कोई और वीडियो नहीं ले सकते थे, किसी फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को भी ले सकते थे, कैंपेन का तरीका कुछ अलग हो सकता था। लोग ये बोल रहे हैं कि बॉलीवुड के नशेड़ियों को इस तरह से लोग कैंपेन में तो लोग रूल्स फॉलो नहीं करेंगे बल्कि रूल्स तोड़कर निकल जाएंगे। हालांकि इस देश की जनता काफी समझदार है, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करते ही हैं, भले ही उनकी मजबूरी होती है लेकिन पालन करते हैं, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, वो भी करीना कपूर जैसे लोगों का एग्जाम्पल देकर। और एग्जाम्पल भी किसका दे रहे हो, करीना कपूर का, जो कोरोना काल में 2 साल लगातार रूल्स तोड़कर कहां गई थी बर्थडे पार्टी करने, करण जौहर के घर पर, और दोनों ही बार कोरोना की शिकार हो गई और पूरे बॉलीवुड में कोरोना फैल गया था। तो ऐसे लोगों को आइडल बनाकर क्या फायदा जो खुद ही रूल्स तोड़ते हैं। रूल्स क्या सिर्फ ट्रैफिक रूल्स ही होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। कोरोना का रूल्स तोड़कर तो न जाने कितने ही लोगों की मौत हो गई, ट्रैफिक रूल्स तोड़कर तो कुछ लोगों की मौत होती है, लेकिन कोरोना का रूल्स तोड़ने से तो बहुत लोगों की मौत होती है। और ऐसे कैंपेन में करीना कपूर का इस्तेमाल करना गलत है। वैसे इस देश की जनता समझदार है, उसे करीना कपूर जैसे लोगों की जरूरत नहीं है।